साधना संघर्ष ये संघा जो तिब्बती युवा कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के चार राज्यों से साइकिल के तिब्बत मुक्ति साधना या अभियान के आयोजक अध्यक्ष गोन्पो जी और तिब्बती युवा कांग्रेस के उपसभापति महासचिव सभी तिब्बती युवा कांग्रेस के पदाधिकारीगण विशेष करके पिछले 24 तेईस लेकर आज तक यहां तिब्बती मुक्ति अभियान के लिए जो कि चीन शासक ने चीन सरकार ने तिब्बत पर परंतु भारत और अन्य पड़ोसी देशों को भी वर्तमान में क्या परिस्थिति है वो मुझे अभिव्यक्त करने का आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे साइकिल यात्रा में तिब्बत मुक्ति साइकिल यात्रा से जो जिन्होंने अपने तन मन धन से यात्रा करके आज यहां मंजुन के चिला सम्मेलन में कुछ भाग के लिए संपन्न यहां किया है, परंतु तिब्बत का मुक्ति साधना का संपन्न नहीं है। मैं सभी साइकिल यात्रा के तिब्बती मेरे भाइयों और युवकों और यहां तिब्बती सम्मेलन के प्रधान प्रेसिडेंट और उनके सहयोगीगण तिब्बती महिला संघ तिब्बतन वेलफेयर ऑफिसर के सेक्रेटरी और सभी यहां संगठन के सदस्यगण और विशेषकर सम्मेलन तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके सहयोगीगण और तिब्बती यूथ हॉस्टल के छात्र और यहां उपस्थित सभी लोगों से विशेषकर भारतीय सहयोग मंच जो संस्था मेरे सौभाग्य में मैंने इंद्रेश जी के साथ स्थापना करने का अवसर मिला, जब राजू भैया जी से मिलने के बाद स्वर्गीय सुदर्शन जी के मिलने के बाद माननीय इंद्रेश जी और हम दोनों ने 1995 को दलाई लामा जी के आशीर्वाद से यह संस्था पिछले 25 वर्ष से तिब्बत मुक्ति साधना के लिए संघर्ष का जारी रहा। यह हम सबके लिए एक सौभाग्य है। मैं यहां इसलिए हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि ये सम्मेलन मंजुन की चिला ये ऐसा एक विशेष पहचान है जो तिब्बती मुक्ति साधना के लिए एक विशेष करके एक स्थान रहा है। मंजुचिला से नेतृत्व करते हुए पूरे भारत के राजधानी में तिब्बत मुक्ति अभियान का यहां सहयोग मिलता है और इन्हीं लोगों के सहयोग से आज यहां इतने दिल्ली के यहां छात्र कॉलेज के पढ़ने वाले चाहे जॉनसन यूनिवर्सिटी का हो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो चाहे जामिया इस्लामिक जामिया हमदर्द अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी सभी छात्रगण यहां आके तिब्बत के लिए जानकारी प्राप्त करने का और तिब्बत के संस्कृति को जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां बराबर आते हैं। इसलिए यहां तिब्बती समुदाय बसे हुए लोगों का केवल व्यवसाय के लिए नहीं है, केवल जीने के लिए नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है। ये पिछले 65 वर्ष से लेकर दलाई लामा जी के नेतृत्व में पिछले 65 वर्ष में तिब्बत के संघर्ष का मुक्ति अभियान का विश्व व्यापक तक पहुंचने का अवसर मिला है। मैं इसलिए आप लोगों के हिंदी भाषा में प्रकाश डालने की आवश्यकता यह महसूस करता हूं कि भाषा पे चीनी हिंदी भाई भाई के नाम से चीन ने भारत को कब्जा किया अगरमन किया और आपके दुकलम हो गलवान हो वो सब हम लोगों के इतिहास का साक्षी है। चाहे देमचोक हो लद्दाख के सीमांत में तिब्बत और भारत के, चाहे स्किपकिला हो हिमाचल प्रदेश और भारत के तिब्बत के सीमा है, चाहे आपके दर्शुला हो भारत और नेपाल और तिब्बत का सीमांत हो, चाहे आपके नतुला हो भारत और तिब्बत का सीमांत हो या आपके गुमला अरुणाचल प्रदेश का भारत और तिब्बत का सीमांत है। इतने लंबे हिमाचल के और हिमालय के क्षेत्र जो फल जो है वो केवल ही केवल सन 1959 तक भारत और तिब्बत का सीमा सुरक्षा बल
केवल सीमित रूप से नियमित रूप से रहते थे, लेकिन जब 59 को तिब्बत में चीन का आक्रमण के बाद सन 1962 में चीन ने धोखा दिया वो हम सब जानते हैं, और उसी के कारण पंडित नेहरू को पछताना पड़ा और इसलिए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को स्थापना किया ITBF। आज भी इतिहास सचित है, चीन चाहते हैं कि यह भी बदल जाए, परंतु इतिहास कभी बदल नहीं सकता है। भारत और तिब्बत का संबंध तो हम सब जानते हैं, केवल सीमा तक नहीं, व्यापार तक नहीं, मानव जाति का भी भारत और तिब्बत का संबंध है, राजवंश का भी संबंध है। याची चंदो का जो नाम है तिब्बत के राजवंश, प्रथम राजवंश भी भारत के ही इतिहास से जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म तो 7वीं शताब्दी में तिब्बत में प्रवेश हुआ है, और तिब्बती भाषा जो भाषा देवनागरी और लिपि से प्राप्त किया है, और वही संरक्षण के लिए आज हम संघर्ष में जारी है। परम पूज्य दलाई लामा जी हमेशा हम सबको आश्वासन देते हैं, अभिव्यक्त करते हैं कि नालंदा के परंपरा को संरक्षण होना चाहिए। नालंदा का परंपरा किसका परंपरा है? वो तो भारत वंश का परंपरा है, वो भारत की संस्कृति है, वही संस्कृति वही धर्म जो उपदेश आज जो विश्व में एक विश्व के व्यापक रूप में जो चले हुए हैं, वो भी जब निवासित में परम पूज्य दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बती लोग परंतु अपना देश खोया, परंतु अपना देश खोया, मातृभूमि खोया, लेकिन हमने संस्कृति को कभी भी खोने नहीं दिया। इसका सहयोग भारत सरकार का प्रधानमंत्री जी नेहरू से लेकर, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर, इंदिरा गांधी जी से लेकर, मोरारजी देसाई से लेकर, नीलम संजोर जी से लेकर, और वर्तमान में जगजीवन से लेकर, और हमारे वीपी सिंह से लेकर, आईके गुजराल से लेकर, देवी गौरा जी से लेकर, मनमोहन सिंह जी से लेकर, वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक संपूर्ण प्रधानमंत्री का सहयोग रहा है, संपूर्ण राष्ट्रपति मोदी जी का सहयोग रहा है, राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर, सर्वपल्ली राधा कृष्णा जी से लेकर, दीनदयाल आपके दीनदयाल उपाध्याय जी का कभी सहयोग रहा है। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो यहाँ भारतवासी यहाँ जो आ रहे हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ केवल तिब्बती लोग बसे हुए नहीं है, अपने संघर्ष को नेतृत्व करते हुए एक पीढ़ी बदल चुका है, दो पीढ़ी खत्म हो चुके हैं, परंतु तिब्बत का अंदर आज भी संघर्ष जारी है। 40 लाख से करीब जनसंख्या अभी भी तिब्बत में संघर्ष जारी है, पूरे तिब्बत को खाली होकर नहीं आया है, अच्छा बलिदान कर रहे हैं तिब्बत का अंदर। 15 वर्ष के बालक से लेकर 65 वर्ष का आयु के लोग तिब्बत मुक्ति साधना के लिए, तिब्बत के पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तिब्बत की संस्कृति के संरक्षण के लिए, तिब्बत की भाषा के संरक्षण के लिए वहां अपना बलिदान कर रहा है, आत्म बलिदान, रोज रोटी के लिए नहीं। पर्यावरण आपको आपका साथ बड़ा संबंध है, जो हमारे 4 नदियां जो है वो कैलाश मानसरोवर बह रहे हैं, आपके इंडस वैली, आपके सतलज वैली, आज बागरा डैम किससे बना है? बागरा डैम जो है सतलज रिवर से मापचा खाप से बने हुए हैं, आपके इंडस वैली, आपके सिंधु नगर, आपके गंगोत्री से लेकर ये चारों नदी जो है ताजो खबब, मापचा खबब, सिंह खबब, लमजेन खबब जो हमारे संस्कृति में जो कहा जाता है, ये चारों नदियों जो है तिब्बत से बहते हैं। अगर अगर चीन ये रोक जाएंगे तो हिंदुस्तान के लिए भी घबरावट हो जाएंगे, पड़ोसी देशों को भी घबरावट हो जाएंगे। 7 देश के लोग, पड़ोसी देश के लोग ये जलवायु का प्रयोग कर रहा है। आज देखिए चाइना केवल तिब्बत नहीं परंतु देखिए पाकिस्तान को उकसा रहा है, बांग्लादेश को उकसाया, देखिए श्रीलंका को सत्यानाश किया, बर्मा को सत्यानाश किया, लेकिन आज भूटान बच गया है भारत के सहयोग से, भूटान, नेपाल बच गया है भारत के सहयोग से। चीन का उद्देश्य तो ये था, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि 1949 में जिस दिन माओ ज़ेडुंग का शासन स्थापना हुआ, पहला ऑक्यूपर में शासन को कैसे चलाना है वो उनका दृष्टिकोण नहीं था, हम पड़ोसी देशों को कैसे आक्रमण करेंगे, चीन जो विशाल देश कैसे बनाएंगे, ये चीन का उद्देश्य था, माओ ज़ेडुंग का उद्देश्य था, माओ ज़ेडुंग का लक्ष्य था, लेकिन वो लक्ष्य नहीं हो पाया, केवल तिब्बत ही खो गया। लेकिन माओ ज़ेडुंग गुजर गया, डेंग शियाओपिंग गुजर गया,
चंग जिमिन और हुचिन दाऊ भी मरने वाला है, शी जिनपिंग का समय भी समाप्त होने वाला है, लेकिन तिब्बती वासी 60 लाख तिब्बती वासियों ने दलाई लामा जी के नेतृत्व में विश्व के सहयोग से तिब्बत का संघर्ष भले कम आदि हो, लेकिन आज पूरे तिब्बती वासी शरणार्थी में 1,50,000 तिब्बती है, 1,50,000 टिबेटन्स आर इन एक्साइल, रेस्ट ऑफ द टिबेटन्स आर स्टिल इन साइड टिबेट, 40 लाख टिबेटन्स आर स्टिल इन टिबेट, वहां संघर्ष कर रहा है, संघर्ष जारी है। इसलिए मैं इतिहास को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हमारे नौजवान को भी जानना चाहिए, संघर्ष जारी रखने के लिए जब अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो क्या संघर्ष नेतृत्व करेंगे। भारतवासियों को भी चीन से केवल खतरा है, परंतु खतरा किस वजह से है आपको पता है, आप सबको पता है, आज अरुणाचल प्रदेश में चीन ने तिब्बत के नाम को बदल दिया, भारत के अंदर भी नाम बदल रहा है, क्या हक है उनका, अधिकार क्या है? डोकलाम जैसे घटना हुआ और आपके गलवान में भी घटना हुआ, हमारे तिब्बती सेनाओं ने वहां भी बलिदान किया है भारत की सुरक्षा के लिए, यीमा सिरिंग ने और अनेक लोगों ने, करगिल वॉर भी 1999 में जब करगिल वॉर हुआ था उस समय भी हमारे तिब्बती एसएफएफ लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया और तब वो विजेता हुआ है। आज हम करगिल विजेता मानते हैं लेकिन उसका सहयोग तिब्बती शरणार्थी के सेना जो भारत के अंदर है उन लोगों का भी योगदान है। इसलिए नतकीन किसी को गुमराह नहीं कर पाएंगे, किसी को झुकना नहीं कर पाएंगे या झुकाना नहीं कर पाएंगे। आज चीन का बहुत सारे वार्तालाप के लिए करते हैं हमेशा, ऐसा भी नहीं है कि तिब्बत और चीन के बीच में कभी वार्तालाप नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, 9 बार वार्तालाप हुआ है। चाइना के शासक के प्रतिनिधि और दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के रूप में बेजिंग में 9 बार वार्तालाप हुआ है, 2010 तक वार्तालाप हुआ है तिब्बत मुक्ति साधना के लिए, लेकिन ये शी जिनपिंग सरकार आने के बाद दुनिया ने कहा कि शी जिनपिंग जो है माओ ज़ेडुंग जैसे दोबारा व्यक्ति आएंगे, वो सही में आया है, लेकिन अंत भी होता है, हमेशा कभी जीवित नहीं होता है, संघर्ष जीवित हमेशा रहता है, व्यक्ति का जीवित हो हमेशा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे लोगों ने अपना देखिए, जैसे अभी अध्यक्ष और महासचिव जी ने कहा तूफान आया लेकिन साइकिल यात्रा करते आया, मैंने शुरू में अध्यक्ष जी को कहा था कि ट्रैफिक और रास्ता में बच के आइए, किसी का जान ना चाहिए, परंतु सभी लोगों ने एक हिम्मत होना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारा है, हिम्मत कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि जब आपके पास संस्कृति और सभ्यता का जब ज्ञान है, परम पूज्य दलाई लामा जी की कृपा से हम जैसे सभी व्यक्तियों को भारत सरकार के सहयोग से, हमारे पुराना पूर्वजों के सहयोग से हम सब शिक्षित हुआ है, हम जैसे व्यक्ति ने बनारस में पढ़े हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वो भारत सरकार और दलाई लामा जी के सहयोग से पढ़ा है। मैं आज आप लोगों के समक्ष में आपके भाषा में टूटी फूटी भाषा में कुछ अपने विषय को प्रकाश करने का जो सौभाग्य मिला है वो भी आप लोगों के योगदान से है, आपके योगदान से, भारतवासियों के योगदान से। लेकिन जब तक तिब्बत का संघर्ष समाप्त नहीं होगा तब तक भारत को कभी भी शांति नहीं मिलेगा। आज देखिए भारत में आतंकवादियों का कितना पड़ोसी ने उकसा के आतंकवादियों से मुकाबला करना, संघर्ष भी ज्यादा, युद्ध से भी ज्यादा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यूरोप में जाके, रशिया में, यूरोप में कहा कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बोध चाहिए, हमें तथागत बोध का बोध चाहिए। तो यही एक है कि बुद्धा का उपदेश ही वही विश्व शांति के लिए है। आज प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया का संघर्ष समस्या समाधान शांति वार्ता होना चाहिए। आज फिलिस्तीन और इसराइल का संघर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि शांति की वार्ता के रूप में चाहते हैं। वही भारत के सहयोग से तिब्बत का समस्या समाधान का भी हमें वही आशा है कि प्रधानमंत्री जी के योगदान से, भारत के सहयोग से तिब्बत और चीन कभी शांति के माध्यम से समस्या का समाधान हो। यह हम लोगों का एक सपना है, एक आशा है, एक विश्वास है।
हम कभी निराशा नहीं रहेंगे। हम जैसे व्यक्ति, हम लोग ये तीसरी और दूसरी पीढ़ी का है। प्रथम पीढ़ी जिसने तिब्बत आजाद देखे, जिसने अपनी मातृभूमि को देखे, जिसने अपनी मातृभूमि का जल पिए, हवा वातावरण खोज गए, वो पीढ़ी जो है 63 वर्ष में लगभग कुछ बचा नहीं है। लेकिन अपने परिवार के सहयोग से आज हम सब यहाँ संघर्ष जारी है। संख्या कोई आवश्यकता नहीं है, संख्या कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों पर हिम्मत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, दिल होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, तब संघर्ष को जारी रहता है। भारत को अंग्रेजी के जुलम में 200 वर्ष रहा और 200 वर्ष के बाद भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुआ है। यह अपने आप को एक इतिहास का साक्षी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो यहाँ मेरे सहयोगी हमारे सभी भारतीय वासियों को इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन निरंतर मिलते रहे और तिब्बत का समस्या जिस दिन समाप्त होगा उस दिन भारत के लिए न कभी कोई सीमा से चीन का मुकाबला करना आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आज के भारत के हर वर्ष के भारत के बजट में सीमा सुरक्षा के लिए बहुत कुछ खर्चा करना पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा भारत के हर मार्च के जब आपका संसद बैठते हैं तो हमें सीमा सुरक्षा के लिए कितना खर्चा करना चाहिए वो भारत के लिए ज्यादा चिंता होता है। अपने से ज्यादा लोगों को सुरक्षा के लिए यदि अगर सीमा सुरक्षा नहीं होगा तो हम और आज अब यहाँ शांति से एकजुटता और एकत्रित नहीं रह पाता है। इसलिए मैं, मुझे कहा है कि अपने भाषा में बोलने से पहले आपके मातृभाषा में बोलने के लिए अध्यक्ष जी और आयोजकों ने कहा, मैं इन्हीं वाणी के साथ भारतवासियों से, आप लोगों की जीवन भी 100 वर्ष होने जा रहा है तिब्बत भारत को स्वतंत्र होकर, आप लोग 100 वर्ष 1947 में आप लोगों का आजाद हुआ है और 2047 में भारत का आजाद 100 वर्ष दिन मनने जा रहा है। तो इसलिए तब तक तिब्बत कभी समस्या समाधान हो, मैं इन्हीं वाणी के बाद मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ, विराम रखता हूँ। मैं पुनः जो यात्रा में आया है, मैं सबको अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं इन्हीं वाणी के प्रसाद अपने वाणी को विराम करता हूँ।